नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। कंगना रनौत फिलहाल काफी ज्यादा चर्चा में है और यह बात तब शुरू हुई और ज्यादा बात बढ़ गई जब बीएमसी ने उनके ऑफिस को तोड़ दिया। अब कंगना रनौत ट्विटर पर लगातार उस ऑफिस के अंदर की तस्वीरों को डाल रही हैं और जो कुछ भी वो ट्विटर पर लिख रही हैं उससे फिर से कई सारे विवाद खड़े हो सकते हैं। बहुत सारे सवाल भी वो कह रही हैं और बता रही हैं कि आखिर उनके ऑफिस स्पेस को किस तरीके से बीएमसी ने तोड़ा। उन्होंने यह भी लिखा है कि यह किसी सपने के टूटने जैसा है, साथ ही कुछ और शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले जो कंगना रनौत का एक ट्वीट था वहां से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कंगना ने इस ऑफिस को लेकर क्या कुछ लिखा है ट्विटर पर और किन तस्वीरों को उन्होंने शेयर किया है। सबसे पहले कंगना रनौत ने लिखा कि मैं एक छत्रानी हूं, सर कटा सकती हूं लेकिन सर झुका सकती नहीं। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी हूं और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ नहीं कभी समझौता की हूं, नहीं कभी करूंगी। जय हिंद। और इसी के फौरन बाद जो अगला इनका ट्वीट आया उस पर दो तस्वीरें आई। ये तस्वीरें इनके ऑफिस के अंदर की थी जहां पर मलबा पूरा दिख रहा है और इन्होंने लिखा कि मेरे कर्मस्थान को शमशान बना दिया, न जाने कितने लोगों का रोजगार छीन लिया। एक फिल्म यूनिट कई सौ लोगों को रोजगार देती है, एक फिल्म रिलीज होकर थिएटर से लेकर पॉपकॉर्न बेचने वालों का घर चलाती है। हम सबसे रोजगार छीन के वो लोग आज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे 17 सितंबर मना रहे हैं। इसके बाद कंगना यही नहीं रुकी, एक और उन्होंने ट्वीट किया। उस ट्वीट में फिर से ऑफिस की तस्वीरें थी, कुछ पहले की तस्वीरें थी और उसके कंपेयर में जो अब की तस्वीरें हैं वो उन्होंने दिखाया और लिखा, जो कभी मंदिर था उसे कब्रिस्तान बना दिया, देखो मेरे सपनों को कैसे तोड़ा, यह बलात्कार नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह। कंगना रनौत यहां से अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और उन्होंने लिखा है, आपको याद होगा कि पहले भी उन्होंने लिखा था जब बीएमसी कार्रवाई करने के लिए आई थी कि राम मंदिर को तोड़ने के लिए बाबर के की सेना आई है, और अब उन्होंने लिखा कि जो कभी मंदिर था उसे कब्रिस्तान बना दिया, यह बलात्कार नहीं है। इसके बाद कुछ और भी तस्वीरें उन्होंने डाली और इस तस्वीर में भी उन्होंने लिखा, एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम आ भी नहीं करते बस्तियां जलाने में, यह देखो कैसे क्या कर दिया मेरे घर को, क्या यह बलात्कार नहीं। यह दूसरी बार उन्होंने बलात्कार जैसे शब्दों का अपने ट्विटर पर इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से उनके ऑफिस को तहस नहस किया गया उसके लिए वो लगातार लिख रही हैं। कंगना यहीं नहीं रुकी, इसके बाद फिर से लिखती हैं, ये बलात्कार है मेरे सपनों का, मेरे हौसलों का, मेरे आत्मसम्मान का और मेरे भविष्य का। कंगना लगातार ट्विटर पर एक्टिव है, हालांकि कई सारे एक्टर्स और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी उनके खिलाफ हैं। लगातार वो लिख रहे हैं, वो सबको जवाब भी दे रही हैं, लेकिन उनके ऑफिस को तोड़े जाने को लेकर वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो दर्द में हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन बीएमसी ने कार्रवाई की और पूरे ऑफिस को तोड़ दिया और जो वो अब तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है उससे तो यही लगता है कि इस ऑफिस के टूटने से कंगना का सपना जरूर टूटा है। लेकिन कंगना ने यह पहले भी लिखा था कि सपना टूटा है, हिम्मत नहीं टूटी, हिम्मत अभी भी है, वो फिर से काम करेंगे, इन्हीं मलबों के साथ ही काम करेंगे।